हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने सतरंगी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अपने व्यूअर्स की डिमांड पर आज मैं आपको ये पोनी टेल विनी बनाना बता रही हूँ। देखिए, अगर साइज की बात करें तो ये आपकी 17-18 साल की बेटी के आराम से फिट आएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसमें ये जो डिजाइन डाला गया है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको बनाने के लिए देखिए, आप 90 या 95 फंदे डाल करके करीब 8 8.5 इंच लंबा बुन लीजिए। अगर आपको इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है तो आप इसको करीब 8 8.5 इंच लंबा बुनिए, और अगर आपको इस तरह से फोल्ड नहीं करना है तो फिर आप लगभग 7 इंच बुन लीजिए। करीब 7 इंच आप बुन लीजिए। अब देखिए, ये डिजाइन हमारा आगे से इस तरह दिखाई दे रहा है और पीछे से हमारा ये डिजाइन ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये डिजाइन भी बताने वाली हूं कि इसको कैसे डाला गया है। देखिए, इसको डालने के लिए पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। बस इसी तरह से ये पूरी सिलाई हमें बुन लेनी है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए हमारी उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में ये जो सीधा फंदा है दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप सीधा बुन लीजिए। धागा आगे लाना है और ये जो उल्टा फंदा है इसको बिना बुना उतार लेना है। धागा पीछे ले जाएं और ये सीधा फंदा सीधा बुन लें। धागा आगे लाएं, उल्टे फंदे को बिना बुना उतार लेना है। धागा पीछे ले जाना है, सीधा फंदा सीधा बुन लेना है। धागा आगे लाना है और ये उल्टा फंदा बिना बुना उतार लेना है। बस ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। बस इन्हीं दोनों सिलाइयों को रिपीट करते जाना है तो आपका ये डिजाइन आ जाएगा। अब देखिए, इतना बना लेने के बाद हमें आगे कैसे बनाना है। देखिए, पहले हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब सिलाई पर धागा लपेटकर एक फंदा बनाएंगे। अब दो फंदे एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। देखिए, इस सिलाई पर हमें जाली डालनी है। फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब सिलाई पर धागा लपेटकर एक फंदा बनाएंगे। अब दो फंदे एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, सिलाई पर धागा लपेटकर एक फंदा बनाएंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, सिलाई पर धागा लपेटकर एक फंदा बनाया और दो फंदे का एक फंदा बुन लिया। फिर दो फंदे उल्टे बुने, सिलाई पर धागा लपेटकर एक फंदा बनाया और दो फंदे का एक फंदा बुन लिया। बस इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई बुन लेनी है। देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई बुन ली है। अब हमें ये सारे फंदे जो हैं वो बंद कर देने हैं। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम इस फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। फिर से ये देखिए जाली वाला फंदा आया, इसको भी सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे और ये जो पहले वाला फंदा है उसको इस फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह हमें सारे फंदे बंद कर लेने हैं। अब ये देखिए, मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं।
ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं और ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए आपको डोरी बनानी है, आप चाहे तो क्रोशिए से बना लीजिए, 45-50 चैन इस तरह से बना लीजिए आप, या फिर आप हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से हाथ से ही डोरी बना ली है। डोरी बनाने के लिए देखिए जितनी लंबी आपको डोरी बनानी है उसके 4 गुना वूल आप ले लीजिए। अब देखिए इसमें जिस साइड ऐसे सल पड़े हुए हैं उसी तरफ से आप इसको इस तरह से और सल डाल लीजिए। इस तरह से अब देखिए हमें इसको इस तरह से पकड़ना है और ये हमारा अपने आप इस तरह मुड़ जाएगा। अब देखिए अगर आपको और मोटी बनानी है तो आप फिर से इस तरह इसमें सल डालिए, ये देखिए इस तरह से, और फिर से इसके दोनों सिरे ऐसे पकड़िए तो ये अपने आप मुड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपकी डोरी तैयार हो जाएगी। इस डोरी को देखिए हमें इसमें डाल देना है। अब देखिए हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है, यहां से लेकर के यहां तक पूरे पर हमें सिलाई कर लेनी है। ये मैंने पूरा सिल लिया है और ये हमारा अब इस तरह से बन करके आ गया है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सिंपल दिखना है तो फिर आप इसको इस तरह से पहनिए, उसके बाद आप इसको बांध लीजिए गांठ, और ये जो डोरी है आपकी इसको आप इस तरह से अंदर भी डाल सकती हैं। धीरे से आप इसको उंगली से अंदर कर लीजिए तो ये आपका सिंपल दिखाई देगा। और अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना है तो आप इसमें छोटे छोटे पिंपोम बनाकर भी लगा सकती हैं, या फिर मार्केट से कुछ लटकने वाला लाकर भी इसमें लगा सकती हैं, तो ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। देखिए है ना इसको बनाना कितना इजी। थैंक यू।